नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल भरत जैन पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक सीरीज शुरू करी है जिसके अंदर मैं ऐसी चीजों को लेकर आ रहा हूं कि जिससे सभी लोगों का काम आसान हो जाए। तो उसी में आपने हमारा हेक विजन वाला वीडियो देखा होगा और आज मैं वीडियो लेकर आया हूं दाहुआ पर, और इसके अंदर भी मैं आपको दो चीजें सिखाने वाला हूं। पहली चीज है कि अगर कोई भी DVR हो, XVR हो, तो वहां से आप प्लेबैक कैसे देख सकते हैं, मतलब जो रिकॉर्डिंग हुआ है वो कैसे देख पाएंगे, और उसके साथ साथ में आप बैकअप कैसे ले पाएंगे। ऐसे टोटल चार मेथड है जहां से आप ये सभी चीजें कर पाओगे। बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो को शुरू करूं उसके पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके यार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक, आपके कमेंट्स बहुत ही इफेक्ट करते हैं मुझे आगे के नेक्स्ट टॉपिक्स को बनाने के लिए। सो दोस्तों, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एक और चीज यहां पर मैं एड ऑन करना चाहता हूं, वो ये है कि ये जो वीडियो है वो काफी बड़ा होने वाला है और चार मेथड है। तो अगर आप ये चाहते हैं, आप पर्टिकुलर मेथड चाहते हैं, तो मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प दे दूंगा कि कौन से मेथड से आप क्या कर सकते हैं, तो आपको टाइम ज्यादा वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सीधा वहां पर क्लिक करेंगे तो उतना ही पोर्शन ओपन होगा, और उसके साथ साथ में अगर किसी को शेयर भी करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमने यहां पर दाहुआ का एक XVR लिया है। मोस्ट ऑफली ये जो है अभी फिलहाल लेटेस्ट ही है। अगर फिर भी अगर कोई और DVR या फिर XVR है जिसका फर्मवेयर अलग है तो थोड़ा सा उसका यूजर इंटरफेस अलग हो सकता है, बाकी ऑल मेथडोलॉजी सेम है। तो अभी हमने यहां पर HDMI से डायरेक्टली TV आउटपुट है, तो सबसे पहले हम लोग TV आउटपुट देखने वाले हैं। इसके बाद में मैं आपको ब्राउजर बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको इसका स्मार्ट PSA से वो बताऊंगा, और लास्ट में मैं आपको मोबाइल पर किस तरह से देख सकते हैं और बैकअप ले सकते हैं वो चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास में एक कैमरा लगा दिए हैं, चार कैमराज हैं। आपके पास में यूजर आईडी और पासवर्ड आपके पास में होना चाहिए, तो हम यहां से डायरेक्टली मेनू में चले जाते हैं। सो यहां पर आपके पास में दो तरीके हैं, प्लेबैक देखना है हमें सबसे पहली बात, तो आप जैसे ही राइट क्लिक करेंगे आपको यहां पर सर्च का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। आप डायरेक्टली यहां से भी जा सकते हैं, या फिर अगर आप मेनू से जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं। तो जैसे कि अगर यहां से सर्च किया तो आप सीधे पहुंच गए वहीं पर, और अगर आप मेनू से जाएंगे तो मेनू में आए, यहां से सर्च किया तो भी वहीं पर पहुंच गए। दोस्तों, अब यहां पर इस तरफ हिकविजन में उधर था, तो सभी का थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है। तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहां पर हमें कैलेंडर है, यहां पर नीचे कैमराज हैं, और नीचे यहां पर पूरी टाइमलाइन है। तो यहां पर आप जैसे कि देख रहे हैं ये दो तारीखें, तो ये करंट है, मतलब दो के नीचे डॉट है तो ये करंट है। अगर आपके पास में पिछले कुछ टाइम की रिकॉर्डिंग है तो यहां पर इंडिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, फिलहाल हमारे पास में यहां पर नहीं है। और अगर इस तरह से कुछ ब्लैंक चल रहा है तो उस दिन की रिकॉर्डिंग नहीं है। अगर DVR के अंदर एक मिनट की भी रिकॉर्डिंग अगर उस डे की होगी तो भी आपको यहां पर पॉइंटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। अब दोस्तों, जैसे कि यहां पर दो तारीख सेलेक्ट है ऑलरेडी और चार कैमराज हमने सेलेक्ट किए हैं, तो आप जो भी पर्टिकुलर कैमरा को देखना चाहते हैं वो यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको सेलेक्ट नहीं करना है तो आप मत करिए। जैसे कि यहां से आपको सेलेक्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आपको जो कैमरा देखना है आप पर्टिकुलर उस पर भी जा सकते हैं। अब जैसे आप यहां पर नीचे देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी 24 आवर की टाइमलाइन है। अब इस टाइमलाइन के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर ये जो ग्रीन कलर दिख रहा है उतने टाइम के हमारे पास में रिकॉर्डिंग है। ये आपको टेस्टिंग पर्पज से हमने लगाया तो हम इतना ही रिकॉर्ड कर पाए, उसी के ऊपर मैं डेमो दे रहा हूं। अगर ये रेगुलर होगा तो आपकी पूरी टाइमलाइन भरी होगी, और अगर वहां पर कहीं पर कट होगा, मतलब समझ लीजिएगा पावर बंद था, DVR बंद था आपका, तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा, उस वजह से उसने पर्टिकुलर टाइम की रिकॉर्डिंग नहीं है। अब यहां पर आपको करना सिर्फ इतना है, ये चीजें सेलेक्ट करने के बाद में आप आ जाइए यहां पर, और ये समझ लो कि मैंने यहां पर 14 के ऊपर कर्सर रखा, राइट, तो 14 मतलब हो गया दोपहर की, दो बज गई। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा कि आपके DVR या फिर NVR में टाइमिंग प्रॉपर हो। कई बार इस तरह के प्रॉब्लम देखने में आते हैं कि अगर वहीं का ओके नहीं है तो आपको यहां पर भी जो रिजल्ट है वो प्रॉपर नहीं दिखाएगा। सो आप यहां पर 2 बजे की देखना चाहते हैं या 3 बजे की, तो मैं यहां पर लगाता हूं 3 बजे पे, मैं यहां पे क्लिक करता हूं, और जिस तरह से आप यहां पर देख पा रहे हैं कि कंप्लीटली आप प्लेबैक देख पा रहे हैं तीनों कैमरे का, आपको जिस तरह भी देखना है आप देखिए। और अगर इसके अंदर आपको फास्ट फॉरवर्ड करना है तो आप यहां से कर सकते हैं। आप फास्टली देखना चाहते हैं तो आप इसको जैसे ही यहां पर क्लिक करेंगे तो यहां पर स्पीड जो है इसकी एक्स के हिसाब से बढ़ती जाएगी, थोड़ा फास्ट मूविंग होने लग गया जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पर, और फिर हमारा जब काम हो जाए तब हम इसको वापस से नॉर्मल प्ले कर लेते हैं।
और अब बात करते हैं यहां पर कि ये तो आप देख रहे हैं, अगर आप यहां से इसको जंप करना चाहते हो तो आप कर्सर की मदद से कर सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों, अगर आप पर्टिकुलर कोई चीज देख रहे थे और आप लाइव देखने के दौरान सिर्फ आपको 10 सेकेंड की या आपको 30 सेकेंड की या एक मिनट की क्लिप चाहिए, सिंपल छोटी सी क्लिप चाहिए, तो इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है कि मेरा ये जो कर्सर है अभी यहाँ पर ये चल रहा है राइट, और मैं यहीं से क्लिप बनाता हूँ, तो ये जो आप सीजर देख रहे हैं वीडियो क्लिप वाली, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक टाइम नोट हो जाएगा 2:53:54, मतलब 14:53:54 राइट। अब ये प्लेबैक चलने दीजिए राइट, आपका जहां पर सेलेक्टेड होगा यानी कि ये वाला स्क्रीन सेलेक्टेड है तो इसी का हो रहा है वो, और जितनी देर तक आप इसको नॉर्मली चलाएंगे उसके बाद में वापस से यहीं पर आकर उसको एंड कर दीजिए। तो ये हो गया 53 मिनट था, यहां पर 54 मिनट 55 सेकेंड दोनों आ गया, मतलब स्टार्ट टाइम एंड टाइम, और फिर यहां से आप डायरेक्टली इसको बैकअप ले लो। अब बैकअप जैसे ही लेंगे, यहां पर पेन ड्राइव आपको लगानी है, ये जो पेन ड्राइव है आप कोई भी 32 GB 64 GB 8 GB आपके पास में पेन ड्राइव हो, वो पेन ड्राइव आपको DVR या फिर NVR में पीछे की साइड में लगानी है। सो मैंने यहां पर ये लगा दी और हम इसको यहां पर फाइल बैकअप करने के लिए यूज कर रहे हैं। सो हमने ये भी कर लिया और जो भी क्लिप बनी है वो यहां पर आपके पास में आ जाएगी, यहां से सीधा बैकअप करो, आपका बैकअप हो जाएगा राइट। अब दोस्तों यहां पर बात करते हैं प्रॉपर बैकअप की, कि अगर आपके पास में मल्टीपल कैमराज हैं और मल्टीपल रिकॉर्डिंग्स है, बड़ी रिकॉर्डिंग्स है, तो उसका बैकअप कैसे करेंगे। सो उसके लिए दोस्तों आपको आ जाना पड़ेगा बैक, और यहां पे आ जाइए डायरेक्ट मेनू में। मेनू में जैसे ही आए आपको यहां पर बैकअप वाला ऑप्शन दिखाई देगा, बैकअप में गए। अब जैसे ही बैकअप में जाएंगे, ऑलरेडी हमने पेन ड्राइव है वो लगा दी है, तो यहां पर डिवाइस का नाम जो पेन ड्राइव होगी वो यहां पर बाय डिफॉल्ट आ जाएगी। अगर आप इसको फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉर्मेटेड नहीं है, तो आप यहां से फॉर्मेट कर सकते हैं। जो पुराना वर्जन था उसके अंदर फॉर्मेट करने का ऑप्शन नहीं आता था, लेकिन ये जो नया वर्जन है XVR का या फिर NVR का, उसके अंदर फॉर्मेट करने का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप उस पेन ड्राइव के अंदर कोई पर्टिकुलर फोल्डर है और उस फोल्डर के अंदर उस फाइल को डायरेक्टली डालना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने डायरेक्टली एक फोल्डर बनाया था, मैं इसी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये इस वाले फोल्डर ASDF जो फोल्डर है उसमें चला जाएगा। अब आप कौन से कैमरा की रिकॉर्डिंग यहां पर लेना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं, वन की लेनी है। टाइप, टाइप के अंदर क्या है, अलार्म, मोशन, MNS, जनरल, पिक्चर। तो ये अगर आपने DVR या फिर XVR में ऐसा कोई फीचर दिया है जिसके बेस पे वो रिकॉर्डिंग हो रही है तो उसको सेलेक्ट करने के लिए, बाकी हमें ओवरऑल ऑल करना है। मेन स्ट्रीम की रिकॉर्डिंग लेनी है, बट ऑब्वियस है सब स्ट्रीम की भी ले सकते हैं, लेकिन हमें मेन स्ट्रीम की चाहिए तो ही क्लियरिटी हमको उस लेवल की मिलेगी। स्टार्ट टाइम डाल दो और एंड टाइम डाल दो, फॉर एग्जाम्पल यहां पर दो, तो यहां पर ले लेते हैं हम लोग 2:00 से लेकर 2:09 तक की लेते हैं। अब आती है दोस्तों यहां पर फाइल की फॉर्मेट। अब फाइल फॉर्मेट में आप ध्यान रखिएगा, DAV की जगह पर आपको MP4 सेलेक्ट करिएगा। DAV सेलेक्ट करोगे तो इसका जो पर्टिकुलर प्लेयर होगा आप उसी के अंदर प्ले कर पाएंगे, लेकिन अगर MP4 सेलेक्ट करोगे तो VLC प्लेयर या फिर KM प्लेयर, जो भी अलग अलग तरह के प्लेयर है उसमें वो फाइल हो जाएगी। अब यहां से सीधा जाके सर्च करेंगे, सर्च किए हमारे पास में एक फाइल आ गई कैमरा वन की। अब इसी तरह से मैं कैमरा नंबर 2 अगर देना चाहता हूं, सेम मैंने कैमरा 2 दिया। टाइम अगर सब कुछ सेम रखना है तो वो सब सेम रखिए और वापस से सर्च कर लीजिए। अब आपके पास में यहां पर D2 आ गया। इसी तरह से आप मल्टीपल कैमरा एक ही साथ में, और यहां से ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है, सेलेक्ट करके और उसको यहां से बैकअप कर लो। सो ये बैकअप होगा, 78 MB का है, कंप्लीटली बैकअप आ जाएगा। सो इस तरह से आप यहां पर डायरेक्ट TV आउट से यानी कि HDMI आउट से आप इस तरह से बैकअप ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं ब्राउजर पे देखना है, क्योंकि अगर आपके पास में समझ लीजिए कि वहां पर आपने कोई सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, अगर आपके पास में डिस्प्ले नहीं है और आपके पास में आपका लैपटॉप है या फिर वहां पर कोई PC है, तो उसके ऊपर अगर आपको इंस्टेंटली प्लेबैक देखना हो या फिर बैकअप लेना हो तो कैसे ले पाएंगे। एक चीज और यहां पर मैंने वैसे दूसरे भी वीडियोज में बताई थी, तो इस वीडियो में बता रहा हूं कि गूगल क्रोम के ऊपर कई बार हम लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वहां पर क्या है कि गूगल क्रोम हमारे जो सपोर्ट नहीं कर पाता, कोडेक जो होता है वो सपोर्ट नहीं करता, तो वहां पे डिस्प्ले नहीं दिखाई देती, कई बार ऐसा होता है। उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया था कि क्रोम के अंदर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर कैसे चालू कर सकते हैं, तो वो वाला अगर वीडियो आपने नहीं देखा हो तो वो जाकर देख लीजिएगा, जिसमें आप IE tab कर सकते हैं। अब इस वीडियो के अंदर आपको एक और चीज बता रहा हूं कि IE tab करने के, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को चालू करने के, जो पुराना था दैट इज नॉट Edge 1,
ये जो एज है, मैं एज की बात नहीं कर रहा, ये जो एज है, अगर एज के अंदर आई टी एम अगर डाल देंगे तो हो जाएगा, इसकी भी एक सेटिंग होती है। लेकिन एक और चीज आपको बता रहा हूं यहां पर कि इसके लिए आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल पैनल में आ जाइए, कंट्रोल पैनल में आए, यहां पर आपको इंटरनेट ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। इंटरनेट ऑप्शन पर आपको यहां पर ऊपर इंटरनेट प्रॉपर्टीज में क्वेश्चन मार्क देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही क्वेश्चन मार्क के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये जो टैब ओपन होगा वो टैब होगा आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर 8.0 वाला, राइट। इसके बाद में अगर आप डायरेक्टली अगर कुछ भी करते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर डालते हो, तो वो एज ओपन होता है। हमें एज नहीं करना है, हमें इसमें चले जाना है और यहां पर आपको डाल देना है आपका जो DVR या फिर NVR का IP एड्रेस है वो। सो हम हमारे DVR या फिर XVR का IP डाल रहे हैं, तो हमारे पास में यहां पर जो इसका वेब पेज है वो ओपन होता है। आपके पास में यूजर ID और पासवर्ड होना चाहिए। अब यहां पर आपके सामने ओपन हो गया है हमारा जो XVR है वो। अब यहां से सीधा आपको जैसे दिख ही रहा है, जैसे हमने हमारे उसमें किया था बस वैसे ही करना है। सर्च में जाएंगे, अब ये देखिए ये वाली प्रॉब्लम है जहाँ पर आपको लाइव नहीं देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर आप इसी इंटरनेट एक्सप्लोरर के अंदर डायरेक्टली कैमरास को एक छोटे से प्लगइन से देख सकते हैं। वापस से एक बार करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो है वो शुरू हो चुका है सेम एज इट इज़। अगर प्लेबैक देखना है तो इसमें जैसा हमारा DVR आउटपुट में था सेम एज इट इज़, ये आपकी पूरी टाइमलाइन हो गई, जितनी भी टाइम की रिकॉर्डिंग होगी ग्रीन कलर के यहाँ पर पूरी लाइन बन जाएगी। इस तरफ आप जैसे देखेंगे तो आपके पास में कैलेंडर आ जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो आपको जिस कैमरा की रिकॉर्डिंग देखनी है वो सब आ जाएंगे। सेलेक्ट करते जाइए, सबके करने हैं तो सभी के यहाँ पे ऑल क्लिक कर देंगे, ठीक है। और सब नहीं चाहिए, हमें सिर्फ चार चाहिए, तो हम लोग इसके अंदर तीन कर लेते हैं, जैसे कि मुझे तीन की देखनी है या फिर चार की देखनी है, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, ये करीबन मैं शाम के टाइम पर क्लिक करता हूं, तो ये जो प्लेबैक है वो मैं यहां पर देख सकता हूं। अब इस प्लेबैक को आप फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, थोड़ा स्लो करना चाहते हैं, रिवाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए टैब्स यहां पर दिए हुए हैं, आप कर सकते हैं। दूसरी चीज दोस्तों, जैसे कि आपको अगर एक छोटी सी क्लिप चाहिए इसके अंदर भी, कि भाई मुझे एक पर्टिकुलर छोटे से टाइम की चाहिए और जो मैं लाइव देख रहा हूँ उसी की, तो आप यहाँ से इसको कट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आ जाइए वीडियो क्लिप के लिए, यहाँ पर जैसे ही वीडियो क्लिप के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे कि ये हमारे ब्राउजर पे है, तो ब्राउजर के ऊपर हम जब टीवी आउटपुट में देख रहे थे तो ऑटोमेटिकली यहां पर आपका टाइमिंग आ रहा था, लेकिन यहां पर आपका ऑटोमेटिक टाइमिंग नहीं आएगा। आप जो भी टाइम का लेना चाहते हैं, जैसे 3:21 का, तो 3:21 डाल दो, उसका एंड टाइम डाल दो और यहीं से इसको सेव कर लो, ठीक है। तो जैसे ही आप उस चीज को सेव करोगे तो ब्राउज इन द फोल्डर, मतलब कि आप कहां पर इसको सेव करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे रखना चाहते हो, जहाँ पर भी रखना चाहते हो वहाँ पे करो और उसको ओके कर दो, तो यहाँ पर वो जो रिकॉर्डिंग है वो हो जाएगी। जैसे कि मैं एक बार दिखाई देता हूँ आपको, 5 मिनट का हमको बैकअप चाहिए, मैंने इसको किया और डेस्कटॉप पे लूँ या फिर डाउनलोड्स में ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, राइट, और जितने भी हमारे पास में KB की फाइल है वो यहाँ पर MB में फाइल कन्वर्ट हो जाएगी और जो हमने डेस्टिनेशन यहाँ पर चूज़ किया है वहाँ पर जाकर ये फाइल सेव हो जाएगी। और अब दोस्तों हम लोग यहाँ से चले जाते हैं जहाँ पर वो फाइल सेव हुई है, तो वो दिखा देता हूँ कि कौन से फॉर्मेट में हमारे पास में सेव हुई है। डाउनलोड्स में जाएंगे और ये फाइल हमारे पास में यहाँ पर DAV फोल्डर के अंदर सेव हुई है और इसके साथ में हमें एक प्लेयर भी मिला है, दैट इज़ द स्मार्ट प्लेयर, जो DAV फाइल को प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर इसको आपको इंस्टॉल कर लीजिए और वो जो फाइल है, जैसे ही आप इसको यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे वो वाली फाइल आपकी यहाँ पर प्ले हो जाएगी। एड फाइल, ये देखिए जिस तरह से आपके पास में यहाँ पर फाइल भी प्ले हो जाती है, मतलब प्लेयर भी आ जाता है उसके साथ साथ में फाइल भी है, तो उसी के अंदर आपकी प्ले होगी। अब दोस्तों दूसरा मेथड, जो कि हमें अगर बड़ी फाइल लेना हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था पहले भी, तो इसमें हम लोग आ जाएंगे वापस से हमारे मेनू में और यहाँ पर हमें मिलेगा बैकअप। सो ये है हो गया बैकअप। बैकअप के अंदर आपको यहाँ पर तो पेन ड्राइव लगानी नहीं है, क्योंकि पेन ड्राइव तो इसमें लगते थे, ये तो आपके पास में आपका खुद का लैपटॉप है, तो उसके अंदर आपको बैकअप लेना है। तो यहाँ से आपको पाथ डालना है, लोकल पाथ आपको जो भी डालना है, रिकॉर्ड डाउनलोड में या फिर आप कोई अलग जगह पर रखना चाहते हैं, जैसे कि डाउनलोड में रखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। रिकॉर्ड चैनल, आप कौन से कैमरा की रिकॉर्डिंग यहाँ पर लेना चाहते हैं वो डाल दो, ये भी ऑल आएगा। स्टार्ट टाइमिंग, कौन सी डेट, कौन सा टाइम,
कहां से कहां तक, मतलब एंड डेट और एंड टाइम कि आपको दो तारीख का ही चाहिए, तो आप एक चीज और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं करो कि दो तारीख यहां पर है और यहां पर आप तीन तारीख डाल रहे हो, तो इस तरह से बैकअप नहीं आएगा। आपको एक ही दिन के अंदर डेट और टाइम को सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास में और ज्यादा बैकअप लेना है तो उसको दूसरी बार ट्राई करो, लेकिन 24 घंटे के अंदर की फाइल बनाना है सेम डेट के अंदर। इसके बाद में ये जो फाइल फॉर्मेट है इसको डीएवी की जगह पर मैं आपको प्रीफर करूंगा, MP4 करिए, क्योंकि MP4 जो होगी वो VLC प्लेयर या फिर कोई भी अदर प्लेयर है वहां पर चलने में सक्षम होती है MP4 फाइल। हर जगह पर EXE आपके पास में नहीं हुई तो क्या करोगे, सो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा MP4 में लेकर सर्च करिए यहां से। और हमने यहां पर जैसे फाइल सर्च करी, बहुत सारी फाइल्स आ गई क्योंकि हमने पूरा 24 का डाला हुआ है, तो उस हिसाब से हमारे पास में यहां पर फाइल आ जाती हैं। फिर आप यहां से जो भी फाइल है डेट टाइम देखो और उस हिसाब से जो क्लिप बनी है उसको आप डायरेक्टली यहां पर नीचे बैकअप आपको देखने के लिए मिलेगा, यहां पर आपको बैकअप देखने के लिए मिलेगा। आप जैसे ही बैकअप करेंगे तो वो जो फाइल है वहां पर सेव होना शुरू हो जाएगी, तो इस तरह से आप ब्राउजर में ले सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर स्मार्ट PSS की। स्मार्ट PSS CMS सॉफ्टवेयर है दाऊवा की डिवाइस को ऑपरेट करने के लिए, तो हमारे पास में यहाँ पर स्मार्ट PSS है, हमने इसको ओपन कर लिया है। मैं यहाँ पर किस तरह से डाउनलोड करते हैं, किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं मैं वो नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपके पास में वो सॉफ्टवेयर है तो आप किस तरह से उसके अंदर रिकॉर्डिंग जो है वो प्ले कर सकते हैं और उसका बैकअप ले सकते हैं। तो आपके पास में कुछ इस तरह से आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस दिख रहा है। अब आपको अगर यहाँ पर प्ले करना है तो आप चले जाएंगे यहाँ पर लाइव व्यू और प्लेबैक, सर्च वाले में प्लेबैक दिख रहा है तो प्लेबैक पे जाएंगे। जैसे हम लोग प्लेबैक यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको कुछ कैमराज दिखने के लिए मिलेंगे। आप यहाँ से आपका जो भी कैमरा है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लो। सो मैं देखना चाहता हूँ 1, 2 और ये तीनों कैमरा को मैं देखना चाहता हूँ। इसके साथ में आपको यहाँ पर टाइमिंग डालना है, आप कौन सी तारीख का देखना चाहते हैं, ये एंड टाइमिंग और स्टार्ट टाइम और एंड टाइम यहाँ पर डाल दो। इसी तरह से कैलेंडर आपको देखने के लिए मिलेगा और फिर सीधा आप यहाँ पर सर्च कर लो। जैसे ही सर्च करोगे तो सेम एज इट इज़ टाइमलाइन आपके पास में आ गया 24 आवर का, ग्रीन कलर की यहाँ पर लाइन आ गई। आप इसको सेलेक्ट करो, क्लिक करो जहाँ पर भी आपको देखना है, तो प्लेबैक यहाँ पर होना शुरू हो जाएगा। सो बाकी की जो अगर फाइल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर प्ले करनी है, अभी फिलहाल एक हुई है, तो इस एरो पे आप क्लिक करेंगे सिंक करने के लिए, तो एज ए सेम टाइम पर आपकी जो बाकी के दूसरे कैमराज हैं वो भी यहाँ पर प्ले होना शुरू हो जाएंगे। और इसके बाद में आपको जो भी स्पीड बढ़ानी है आप यहाँ से, ये देखिए 1x पे अभी चल रहा है, अगर इसको आप स्पीड अप करेंगे तो आपके यहाँ पर ये जो स्पीड अप है, स्पीड अप के ऊपर क्लिक किया, इसको ऊपर चढ़ाओ 2x 4x 8x और ये 8x तक जा सकता है, तो 8x तक हमें यहाँ पर प्लेबैक देखने के लिए मिल जाएगा। सो दोस्तों अभी बैकअप किस तरह से ले सकते हैं उसके बारे में बात कर रहे थे, तो आपको वापस ही आ जाना है, प्लेबैक पर ही आना है और प्लेबैक पर आप जो भी कैमरा देखना चाहते हैं या फिर जिसका आपको बैकअप लेना है आप उसको सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक कैमरा को सेलेक्ट करते हैं जिसका बैकअप लेना चाहता हूँ, जो भी स्टार्ट टाइम एंड टाइम है वो आप यहाँ पर डाल दो, उसको सर्च कर लो, यहाँ पर आएंगे ऑप्शन पर, यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये प्ले हो रही है। अब इसके अंदर का जो ऑप्शन है वो थोड़ा सा अलग है, तो जो ये फाइल आप प्ले करना चाहते हो या फिर इसका बैकअप लेना है तो आप यहाँ पर ये कट देख रहे हो, राइट, वीडियो क्लिप यानी टाइम क्लिप, आप यहाँ पर जाओगे तो दो तरह के ऑप्शन, मतलब ये जो लाइन है लाइन 1 एंड लाइन 2 ये आपको दो देखने के लिए मिलेगी, तो आप जहाँ पर भी इसको रखना चाहते हैं आप इसको यहाँ पर रखिए, यहाँ पर हमने किया इसको कट, और मुझे चाहिए फॉर एग्जांपल ये रेड लाइन मैंने यहाँ पे रखी, दूसरी जो एंड रेड लाइन है वो मैंने यहाँ पर रखी, राइट। अब इतनी ये एंड लाइन, मतलब इन दोनों के बीच में जो पोर्शन बन रहा है हम उसका बैकअप ले रहे हैं, और वापस से यहाँ पर जाएंगे हम लोग इसको अगेन कट करेंगे, तो इतनी जो फाइल है वो आप कहाँ पर उसका जो पाथ देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगेन स्मार्ट PSS यूज़ कर रहे हैं तो आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, तो स्टोरेज भी आपका लैपटॉप या फिर कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव होगा, या फिर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में आप कोई पेन ड्राइव या फिर कोई हार्ड ड्राइव अटैच करते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों नीचे एक्सपोर्ट फॉर्मेट है, सो यहाँ पर आप एक्सपोर्ट फॉर्मेट के अंदर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं 4, ASF में कर सकते हैं, AVI कर सकते हैं, MP4 कर सकते हैं, और ओरिजिनल फॉर्मेट इसका जो .DAV है उसमें भी कर सकते हैं। सो अगेन वी आर गोइंग फॉर द MP4।
अगर आप जो इस एक्सपोर्ट प्लेयर करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन है, जिसे हमने ब्राउजर में किया था तो बाय डिफॉल्ट आ गया था, वहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन यहाँ पर आप करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो तो वो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। सो आपको अगर आपको करना है तो आप यहाँ पर टिक कर लीजिए, अगर नहीं करना है तो आप मत करिए। अब बात करते हैं, यहाँ पे ये फ्री स्पेस दिखा रहा है, ये फ्री स्पेस दिखा रहा है आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या फिर आपने जो चीज़ सेलेक्ट करी है आपके पास में इतना स्पेस है तो वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं है, वो उसके लिए बात हो रही है। और इसको सीधा यहाँ पर ओके कर लो, ये बता रहा है कि वो प्लेबैक हो रहा है तो हम इसको स्टॉप कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर फिर ये जो एक्सपोर्ट है उसका जो प्रोग्रेस है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, कितने एमबी की फाइल है वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, ये करीबन 19 एमबी के आसपास की फाइल बनती है। और यहाँ पर ये जो फाइल है वो कम्प्लीटली एक्सपोर्ट हो चुकी है, हमारा जो टास्क है वो फिनिश हो गया, तो अभी हमने जो सेलेक्ट करा था वो डाउनलोड, सो हम इसको मिनिमाइज करते हैं, चलते हैं हमारे पीसी और यहाँ पर डाउनलोड्स में। सो अभी ये जो फाइल हमने जो MP4 की सेलेक्ट करी थी वो MP4 ये आ गई, ये डायरेक्टली हम प्ले कर सकते हैं, कोई भी प्लेयर के अंदर MP4 इसी वजह से सेलेक्ट की जाती है। तो इस तरह से आप स्मार्ट PSS के अंदर आप बैकअप ले सकते हैं। नाउ दोस्तों अभी हम लोग बात करते हैं मोबाइल के ऊपर कि मोबाइल में किस तरह से आप प्ले कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग आपको देख सकते हैं कहीं पे भी हो आप, चाहे आप आपके लोकल में हो या फिर जहां पर भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वहां पर हो, तो वहां पर आप किस तरह से कर पाएंगे और बैकअप देख पाएंगे वो बता देता हूँ। सो दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है हम उस पर जाते हैं DMSS और यहाँ पर ये जो प्लेबैक हो रहा है, अब ये जो है ये अभी हम लोग लाइव देख रहे हैं, अगर आप प्लेबैक देखना चाहते हैं तो यहाँ पर ये प्लेबैक है, सो मैं इसको प्ले करता हूँ। अब यहाँ पर आप जो रिकॉर्डिंग है वो देख पा रहे हैं, नीचे जो है वो टाइमलाइन है इसकी, अब जहाँ की भी आप देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक स्क्रीन के अंदर दूसरी स्क्रीन बनी हुई है वो लाइव आपको दिखाती है, हम उसको बंद कर देते हैं। सो दिस इज़ द रिकॉर्डिंग। अब यहाँ पर आपको लेना है दोस्तों अगर बैकअप, तो बैकअप करने के लिए आप यहाँ पर ये जो ये ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करेंगे, मैंने किया। अब ये करने के बाद में आप ये जो फाइल जहाँ से प्ले कर रहे हैं वहीं से ये कट होगी, और जितनी देर तक इसको आप प्ले करेंगे मतलब आप देखते रहेंगे, और इसके बाद में आपको इसको कर देना है स्टॉप। सो ये आपने कर ली स्टॉप, तो डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, आप करेंगे ओके। सो ये जो रिकॉर्डिंग है वो आपकी सेव हो चुकी है। अब ये कहां पर आपको देखने के लिए मिलेगी, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल्स में, और ये मिलेगा आपको मी में जाएंगे, और नीचे यहां पर माय फाइल्स, ये आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगी। अब जो भी फाइल्स है अगर आप उसको एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, मतलब व्हाट्सअप करना चाहते हैं या फिर किसी और को शेयर करना चाहते हैं, ऑल पे क्लिक करिए, तो जितनी भी फाइल के बैकअप आपने लिए हैं वो आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। आप उसके ऊपर दबा के रखिएगा क्लिक, तो ये सेलेक्ट हो जाएगी, और नीचे आप यहाँ पर तीन ऑप्शन देख रहे हैं, अगर आप इसको गैलरी में सेव करना चाहते हैं तो सेव का ऑप्शन मिल जाएगा, डिलीट करना चाहते हैं डिलीट का ऑप्शन मिलेगा, और डायरेक्टली शेयर करना चाहते हैं तो शेयर का ऑप्शन मिलेगा। इस तरह से आप इजीली यहाँ पर कर पाएंगे। अब मोबाइल के अंदर बट ऑब्वियसली थोड़ी सी लिमिटेशन है कि बहुत ज़्यादा सिलेक्शन आपको नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन अगर आप इस तरह से कोई बड़ी फाइल का बैकअप लेना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना पड़ेगा, या तो ब्राउज़र यूज़ करिए या फिर डायरेक्ट टीवी आउट या फिर स्मार्ट PSS। सो दोस्तों ओवरऑल आपको इस वीडियो के अंदर ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि दाहुआ का जो अगर NVR, DVR या XVR है तो उसके अंदर से आप किस तरह से आपकी फाइल्स को निकाल सकते हैं, प्लेबैक कर सकते हैं या फिर बैकअप कर सकते हैं। सो मुझे लगता है आज का जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।